हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर हीट, एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। एंड द फर्स्ट देर आर थ्री वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वी हैव डिस्कस्ड कंडक्शन इन द लास्ट वीडियो। टूडे वी विल डिस्कस कन्वेक्शन एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, वाइल द सेकेंड वन इज इंसुलेटर। वॉट इज कंडक्टर? एज यू कैन सी दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन कंडक्शन। सो ऑल दोज मटीरियल विच अलाउ टू पास हीट थ्रू दैट मटीरियल, कोई भी ऐसा मटीरियल जो अपने आप में से हीट को पास करने के लिए अलाउ करता है, दैट मटीरियल इज नोन एज कंडक्टर्स। वाइल सम अदर मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इटसेल्फ, दीज मटीरियल्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स आर मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। फॉर एग्जाम्पल, यू वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो दैट ये जो आपका मेटल की रोड थी, यहाँ पर आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से मेटल था, इस वजह से तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। वाइल इन केस ऑफ इंसुलेटर, जैसे आपने देखा कि फ्राइंग पैन आपका होता है, उसका जो हैंडल होता है वो आपका गर्म नहीं होता है, जबकि आप पूरा खाना बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका उस हैंडल से तो हीट पास नहीं हो रही है, जो उसका हैंडल है दैट इज मेड ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल बीइंग इंसुलेटर, जो आपका हैंडल है वो वॉर्म नहीं होता है, आप इजीली उसको पकड़ कर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके रबर के ग्लव जो हो गए, ये भी आपके क्या होते हैं, हीट नहीं होते हैं। वुड है वो भी नहीं होती है, ग्लास है वो भी हीट नहीं होता है। सो इंसुलेटर्स आर मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily. For example, wood, plastic, glass, rubber, air, water. इनसे generally आपका जो heat है वो pass नहीं हो पाता है. While from conductor, the heat pass through metals, the heat pass through it very easily. So यहाँ पर आप ये examples देख सकते हैं conductor और insulator के. आगे हम देखते हैं next method of transfer of heat, which is convection. अब कन्वेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं, तो लेट अस सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ, जैसे आप कई बार पानी बॉईल करने के लिए आपको बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपने एक फ्राइंग पैन में वाटर लिया, उसको गैस पर रख दिया है। इनिशियली वो वाटर बॉईल होने लगता है, वहां पर कुछ नहीं होता है। जब आपने एक बार रख दिया है और जब आपने गैस ऑन नहीं करी, तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मोशन था? नहीं। While the heat is given to the water, then the molecules will start to move. किस तरह से move करेंगे आपके वो molecules? जब आपका नीचे का water गर्म होगा, वहां से वो molecule heat होके ऊपर उठ कर आएंगे, और जो ऊपर का water, जो cold water है, वो gas की तरफ जाएगा, downward direction में जाएगा। जब वो आपका warm up हो जाएगा तो वो ऊपर आएगा, side से बाकी बचा हुआ जो आपका होगा वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो पूरा वाटर है वो गर्म हो जाता है, और जो कन्वेक्शन है, इस मेथड से जनरली हमारी हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड्स में और गैसेज में। व्हाइल इन केस ऑफ कंडक्शन वी हैव डिस्कस्ड दैट हीट इज ट्रांसफर्ड इन टर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल। सो कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स एंड गैसेज फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। केवल आपका मटेरियल डिफरेंट होगा, यहाँ पर लिक्विड और गैसेज होंगी, बाकी हीट ट्रांसफर हमेशा ही हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक होता है, और तब तक होता रहता है अंटिल और अनलेस द बोथ द बॉडी विल अटेन द सेम टेम्परेचर। सो फॉर एग्जांपल, यू कैन सी एन एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। हमने ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, इसके अंदर कुछ वाटर भरा हुआ है। कीप इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, इसके ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा है, इसके नीचे कैंडल कर दी है। Heat it with a burner. The water at the bottom becomes hot and rises up. यहाँ पर हमने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल भी रखा है। अब
जब आप उसको बर्नर को ऑन करते हैं तो आपका जो मोटर है वो क्या होगा, वार्म अप हो जाएगा और वो राइज होगा, वो राइज अप होगा एंड कोल्ड वाटर आपका, ये देखिए यहाँ पर ये एरो के डायरेक्शन आपको नजर आ रही होंगी, ये अपवर्ड में है क्योंकि आपका जो बर्नर है वो जस्ट इसके नीचे जल रहा है, और जो आपका साइड का जो ठंडा पानी है, जो आपका कोल्ड वाटर है, वो इनकी डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है क्योंकि वो नीचे आता है, और जो हॉट वाटर हो गया वो आपका राइज अप हो जाता है। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन, दिस वाटर बिकम्स हॉट, जब ये कोल्ड वाटर भी हॉट हो जाता है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और जो साइड में जो भी ठंडा वाटर बच गया वो नीचे आता जाता है। दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप, कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, कब तक प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, व्हाइल द होल वाटर गेट्स हीटेड, अंटिल और अनलेस द होल वाटर गेट्स हीटेड टिल देन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस shows that heat is transferred by convection. In this process, you can see that in terms of liquid, the heat is transferred. So, this is the method of transfer of heat, which is convection. We will discuss further in the same. The transfer of energy in a liquid or gas. Convection क्या होता है? Simply आपका energy का ट्रांसफर होता है, कौन कौन से किस टाइप के मटेरियल में होता है, लिक्विड और गैसेज में। व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस और लिक्विड इज हीटेड, जब भी कोई पार्ट आपका हीट अप हो जाता है, द पार्टिकल्स इट इज मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड मोर आउट मोर, तो उन पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाती है बाहर से, और वो पार्टिकल जो है आपके क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे। द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल causing them to move faster and spread out more. जो moving particle है वो दूसरे particle को क्या करेंगे, hit करेंगे, और सारे का सारा जो motion होगा वो वहाँ पर होता जाएगा। अब convection in air we will discuss this topic in the next video. Thank you बच्चे।